नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोश किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं टैकोस, लेकिन कुछ अलग अंदाज से। जी हाँ, रात की बची हुई रोटी से आज हम बनाएंगे टैकोस, वो भी देसी स्टाइल में। तो चलिए अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो उबले हुए आलू कद्दूकस कर लें। इसके बाद आप बारीक कटा हुआ प्याज आलू में डालें। फिर उसके बाद एक चॉप्ड शिमला मिर्च लें। फिर चॉप्ड गाजर डालें। फिर थोड़ा सा धनिया डालें। धनिया के बाद आप कटी हुई 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्ची डालें। इसके बाद आप इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें। जरा सा जीरा डालें। फिर इन सब चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर लीजिए, मिक्सचर तैयार है। बस अब करना ये है कि अपनी हथेली पर इस मिक्सचर को रखिए और इसको ट्रायंगुलर शेप दीजिए। इसके बाद आप रोटी पर हरी चटनी लगाइए। अब रोटी को टैकोस की शेप देने के लिए फोल्ड करें। अब स्टफिंग के लिए रोटी में आलू की टिक्की को भर दीजिए। अब इस रोटी को सील करने के लिए आप अंदर की तरफ केचप लगाएं। इसके बाद आप पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर इन टैकोस को पैन में डालें। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसे प्लेट में निकालिए। इसके बाद गार्निशिंग के लिए आप इसमें टोमेटो केचप लगाएं और नमकीन हल्का सा ऊपर छिड़क दीजिए। तो लीजिए, तैयार है आपके देसी टैकोस। तो देखा आपने, कितने ही कम टाइम में देसी टैकोस की रेसिपी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये टैकोस की रेसिपी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।